और अगर अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल से चीन को साउथ चाइना सी से खदेड़ने का प्लान तैयार कर रहा है तो चीन ने भी पलटवार की जबरदस्त तैयारी कर ली है। जिनपिंग के पास एक ऐसा साइलेंट शिकारी मौजूद है जो अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक कुछ सेकंड में तबाही ला सकता है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कि चीन का वो कौन सा हथियार है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। टैंक से हल्का लेकिन प्रहार महाशक्तिशाली, मिसाइल से छोटा लेकिन बार न जाए खाली, फाइटर जेट से भी तेज और अंतरिक्ष तक अटैक, ड्रैगन का नया डेंजर, टेंशन में सुपर पावर। चीन ने ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो खामोशी से अपना काम कर देता है और उसकी पहुंच समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक है। कुछ ही सेकंड में दुश्मन के किसी भी हथियार के परखचे उड़ा देगा और दुश्मन देश को तब खबर होगी जब तक चीन का वो सुपर वेपन काम तमाम कर चुका होगा। फिर चाहे अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को तबाह करना हो या आसमान में उड़ते फाइटर जेट को क्रैश करना हो, जमीन पर किसी टैंक को एक बार में उड़ाना हो या किसी मिसाइल को नेस्त नाबूद करना है, इसके अलावा एक साथ कई ड्रोन को मार गिराना हो, चीन का वो सुपर वेपन हर जगह तबाही मचाने में सक्षम है। अब चीन के सुपर वेपन के बारे में जान लीजिए जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बनने जा रहा है। खास तौर से ताइवान के लिए वो हथियार एक बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। जैसे लेजर तरंगे दिखती हैं, उसी तरह से उस हथियार से तरंगे निकलती हैं और बड़ी खामोशी से टारगेट पर प्रहार करती हैं। उसके बाद मचती है तबाही। चीन का ये साइलेंट किलर कितना विनाशक है इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि अंतरिक्ष में दुश्मन देश के सैटेलाइट को कुछ मिनट में तबाह कर सकता है। चीन ने इसे माइक्रोवेव वेपन नाम दिया है, जिसमें से पीली रोशनी निकली है जो टारगेट को जला देती है। माइक्रोवेव वेपन हाई एनर्जी वेपन है जो अटैक में कई लाख वॉट एनर्जी इस्तेमाल करता है, किसी टैंक और मिसाइल अटैक में काम आने वाली एनर्जी से भी ज्यादा। दरअसल चीन ताइवान पर मंसूबा पाले हुए है जबकि अमेरिका ताइवान की पहरेदारी करता रहता है, इसलिए अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका से जंग होने के आसार है। इसी वजह से चीन ने एक ऐसा सुपर वेपन तैयार किया है जो खामोशी से अपना काम करेगा। चीन सुपर वेपन माइक्रोवेव के जरिए ताइवान की निगरानी में लगे अमेरिकी सैटेलाइट को तबाह कर देता है जिससे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा ताइवान और अमेरिका के सैन्य बेस पर भी माइक्रोवेव से निकली पीली तरंगे तबाही मचा देंगी, समंदर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप को भी जला देगी। यानी जब तक अमेरिका हमले के बारे में जान पाएगा चीन ताइवान पर कब्जा कर चुका होगा। चीन का यह हथियार इतना मारक है कि अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट को भी सेकेंडों में उड़ाने का दावा किया जा रहा है। यह हथियार 10 गीगाबाइट की ताकत से लैस है। माइक्रोवेव 10 प्लस सेकंड की फ्रीक्वेंसी से अटैक करता है। इससे निकलने वाली तरंगे किसी भी टारगेट को खाक कर सकती हैं। चीन का यह हथियार एक छोटे से कंट्रोल रूम की तरह काम करता है। एक लाइब्रेरी में लगी शेल्फ में इसके अलग अलग पार्ट रखे जा सकते हैं जिन्हें आपस में कनेक्ट करके ताइवान में तबाही का पूरा इंतजाम किया जा सकता है। यानी छोटे से जनरेटर, चार्जर, ट्रांसफॉर्मर और बीम रिफ्लेक्टर के जरिए चीन कहीं भी कभी भी महाविनाश का ट्रिगर दबा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।